नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में, क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है फाइनेंशियल ईयर 2020 का। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम आपको बाटा इंडिया और आर्थिक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट को भी बताएंगे, क्योंकि आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिस दिन इन तीन इंपॉर्टेंट कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। तो तीनों के रिजल्ट बताएंगे, इसमें हम HDFC के अगले वीडियो में हम कवर करेंगे और दो कंपनियां बाटा इंडिया और आरती इंडस्ट्री के। चलिए HDFC के रिजल्ट को जानते हैं, फिर उसके आधार पर हम इसके लेवल्स और टारगेट को जानेंगे कि क्या लेवल्स और टारगेट होना चाहिए आपका HDFC लिमिटेड में आगे का, आपका क्या बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए, आपको अगर पहले से इन्वेस्टेड है तो आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं। तो इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, जाइए अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्टमेंट को शुरू कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं HDFC का हमने ये PDF डाउनलोड किया है, थोड़ा जो सा PDF देख सकते हैं आप, जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, फिर भी हम जो ये कंपनी का ओरिजिनल PDF है जो कि हमने BSEIndia.com से डाउनलोड किया है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम, दोस्तों जो भी कंपनियां ब्याज आधारित होती है, मतलब जो ब्याज पे काम करती है, जो कंपनियां ब्याज देने का ब्याज लेने का, उसका इंटरेस्ट इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लोन देता है तो इंटरेस्ट इनकम उससे कितना हुआ है देख सकते हैं, 10,963 करोड़, जो कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं तो सेम जो मार्च क्वार्टर है 2019 का, उसे देखिए 10,061 करोड़, तो इससे काफ़ी अधिक है। तो मतलब इंटरेस्ट इनकम जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है, लेकिन जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ये डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहला ये था हमारा इंटरेस्ट इनकम जिसमें इंक्रीज देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। दूसरा है हमारा ये होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि आप HDFC देखते हैं कि HDFC ग्रुप की जो है होल्डिंग कंपनी है, तो इसका डिविडेंड इनकम भी है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग कंपनियों में जो होल्डिंग है उससे डिविडेंड इनकम भी होता है। तो डिविडेंड इनकम है 2 करोड़, जो भी आपको यहाँ पर देख रहा है प्राइस है, मतलब जो भी अमाउंट यहाँ देखने मिल रहा है वो करोड़ में है। तो यह हमारा 2 करोड़ डिविडेंड इनकम हो गया, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि देख सकते हैं जो पिछले साल का इनकम था 500, मतलब पिछला साल का, मतलब मार्च क्वार्टर जो 19 का था 536 करोड़। तो देख सकते हैं कि डिविडेंड इनकम बहुत ही बहुत डिक्रीज हुआ है। उसके बाद हमारा अलग अलग जो इसका हमारा इनकम है, मतलब और सारे इनकम उसको हम देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट था इसका डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में, उसके सेल्स से जो इनकम हुआ है वो है हमारा 2.45 करोड़, मतलब सेल्स जो है इन्वेस्टमेंट के सेल्स से जो इनकम हुआ है इस क्वार्टर में 2.45 करोड़ है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो मार्च क्वार्टर जो 19 में था 321 करोड़ था इन्वेस्टमेंट के सेल्स से। तो समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का सेल्स है उससे भी प्रॉफिट बहुत कम हुआ है इस क्वार्टर। तो ये कुल इनकम था, तो सब मिला करके हम देख लेते हैं। तो नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम हमारा 11,981 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो ये हमारा है जो मतलब पिछले क्वार्टर था मार्च क्वार्टर पिछला साल का 11,586 करोड़, इसके बेसिस पे हमारा टोटल इनकम भी अभी इंक्रीज हुआ है। तो अब हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट जिस पे सबका ध्यान रहता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही हम ज़्यादातर ध्यान में रखते हैं कि, तो अब हम कंपनियों का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं जिस पे हर किसी का ध्यान रहता है, जिसे हम PAT बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनियों का कितना है, क्योंकि हम ज़्यादातर इसी बात पर ध्यान रखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनियों का कितना है। 2,232 करोड़ इस क्वार्टर का है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही बहुत कम है, देख सकते हैं मार्च क्वार्टर 19 में ये था 2,861 करोड़, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ही बहुत ज़्यादा कमी आया है। क्यों आया है? क्योंकि जो डिविडेंड इनकम है कंपनी का, डिविडेंड इनकम बहुत ही लो हो गया, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का सेल्स था, इन्वेस्टमेंट को जो सेल किया था उससे जो प्रॉफिट हुआ था 19 में वो भी बहुत ही ज़्यादा था, उसके आधार पर हमारा ये जो प्रॉफिट है बहुत ही डिक्रीज हुआ है। तो इसमें एक तरह से कहें रिजल्ट फ्लैट रहा है, क्योंकि ये हर क्वार्टर में आपको जो सेल्स है इन्वेस्टमेंट का वो आपको देखने नहीं मिल सकता,
और जो हमारा डिविडेंड है ये हर क्वार्टर में आपको सेम नहीं मिल सकता, क्योंकि जो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो किस समय डिविडेंड देती है उस पर डिपेंड करता है डिविडेंड इनकम। तो ये दोनों कम जो इनकम है हमारा ये निश्चित नहीं रहता है, लेकिन जो निश्चित इनकम है वो है इंटरेस्ट, जो लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट का इनकम है वो इंक्रीज हुआ है इस कंपनियों का। तो मतलब रिजल्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट लगभग फ्लैट रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर। देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर जो हमारा है ईपीएस, मतलब एक शेयर पर कितना अर्निंग हुआ इस क्वार्टर में, तो 12.86 रुपीज़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो ये देख लिए 16.68 रुपीज़ जो कि हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी कम है, ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी कम है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो जो अर्निंग पर शेयर है हमारा वो देख सकते हैं भारी गिरावट आपको देखने मिलेगा। मतलब जो पिछला क्वार्टर है दिसंबर क्वार्टर, उसमें अर्निंग पर शेयर था 48.51 रुपीज़, इतना भारी गिरावट कैसे आया। तो ये है हमारा यहाँ पर ये लॉजिक आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा जो भारी प्रॉफिट हुआ था कंपनी को किस कारण से हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गेन कंसिक्वेंट टू मर्ज ऑफ ग्रुह एज एसोसिएट विथ बंधन बैंक। बंधन बैंक में जो ग्रुह का मर्जर हुआ था उससे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, कितना का 9019 करोड़ का, इतना बड़ा प्रॉफिट था जिसके कारण जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, इनकम भी बहुत हुआ, तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ही ज़्यादा हुआ देख सकते हैं 9000 करोड़ का। तो इसी कारण भारी प्रॉफिट में जंप हुआ था दिसंबर क्वार्टर में, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बहुत ही जंप किया था देख सकते हैं। नहीं तो हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग देख सकते हैं 4 रुपीज़ का गैप है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें 48 रुपीज़ चला गया था एकाएक जंप होकर के, क्योंकि कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था बंधन बैंक में मर्जर के कारण, ग्रुह के मर्जर के कारण। तो ये था हमारा स्टैंड लोन रिजल्ट। अब हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देख लेते हैं वो कैसा है। ये देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट है हमारा एचडीएफसी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम कुल हमारा 11,390 करोड़, जो कि पिछले मतलब साल के मतलब मार्च क्वार्टर 19 से काफ़ी अधिक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डिविडेंड इनकम भी देख सकते हैं 25 करोड़ का है कंसोलिडेटेड में, जो कि पिछले साल से काफ़ी अधिक है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो नीचे चलते हैं, हम टोटल इनकम देखिएगा तो भारी गिरावट देखने मिला है 16,000 करोड़ 632, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28,817 करोड़, तो भारी गिरावट देखने मिला है टोटल इनकम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1,614 करोड़, और यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछले मार्च क्वार्टर है 19 का उससे काफ़ी कम है, देख सकते हैं 4,942 करोड़, इससे काफ़ी कम है। तो ये सारे रिजल्ट थे HDFC लिमिटेड के। तो चलिए हम इसके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं HDFC का स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर इंडेड इतना स्टूड 17,770 करोड़, देख सकते हैं इतना 21% ग्रोथ इन इंडिविजुअल लोन्स, 14% ग्रोथ इन इंडिविजुअल लोन बुक, वहीं पर देखते हैं स्पीड्स एट इतना परसेंट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एट इतना परसेंट, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.4% हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में मतलब पिछला क्वार्टर जो था उसमें 3.3 था, यहाँ पर 3.4 हो गया, तो इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ा है। इंटरेस्ट मार्जिन होता है कि लोन इधर से लेते हैं और फिर दूसरे को लोन देते हैं, तो बीच में जो गैप होता है उसे हम इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, तो इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है, ये बहुत अच्छा मतलब न्यूज है कंपनी के लिए। तो वहीं पर देख सकते हैं नेट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर इंडेड इतना ग्रो 17% से नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो हो चुका है। वहीं देख सकते हैं कि रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 21 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर अब आपको डिविडेंड भी मिलेगा इस बार, तो 21 रुपीज़ बहुत ही अच्छा डिविडेंड वैल्यू है, जिसके कारण स्टॉक्स में तेजी देखने मिल सकता है, क्योंकि 21 रुपीज़ का डिविडेंड आपको देखने यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टूड इतना 22,000 करोड़, जो कि ग्रोथ हुआ है जिसमें 30% से,
तो ये सारा परफॉर्मेंस था HDFC लिमिटेड का। तो अब भी आपको रिजल्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात कर लेते हैं कि शेयर में हमारा क्या लेवल्स और टारगेट होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं HDFC लिमिटेड का हमारा शेयर है जो कि अभी करेंट मार्केट प्राइस है 1515 रुपीज़ 85 पैसा और 81 रुपीज़ डाउन है पिछले ट्रेडिंग डे। और कल जब ये ओपन होगा तो इसका प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा ये इससे आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट पर यह किस तरह से कल इसका प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये रिजल्ट पे कैसा रिस्पांस करता है ये आपको कल देखने मिल जाएगा। तो आप 5 डे का चार्ट देख लेते हैं। 5 डेज में देख सकते हैं इसमें गिरावट देखने मिला है आपको, मतलब प्राइस में करेक्शन आया है रिजल्ट के पहले। और यहाँ देख सकते हैं 1 मंथ में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है, 6 मंथ में देखिएगा तब तो भारी गिरावट है। देख सकते हैं 6 मंथ में भारी गिरावट, 40% का गिरावट आपको मिल रहा है। वहीं ईयर टिल डेट में देखते हैं तो ईयर टिल डेट में आप देख सकते हैं कि ये कुल 38% का गिरावट है। वहीं वन ईयर में आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में कितना करेक्शन आया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 ईयर में हमारा जो शेयर प्राइस है इसका 30% करेक्ट हुआ है। 5 साल में देखते हैं, 5 ईयर्स में आप इसमें कितना करेक्शन देखते हैं। 5 ईयर्स में हमारा इसका चार्ट देख लेते हैं तो 5 ईयर्स में जो आपको है 22% का रिटर्न दे रहा है। मतलब समझ सकते हैं इतना करेक्शन के बावजूद ये 22% का अभी भी आपको 5 साल में रिटर्न दे रहा है, इतना करेक्शन के बावजूद। अब वहीं मैक्सिमम ईयर में देखते हैं तो चार्ट कितना बेहतरीन है, देख सकते हैं कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। 2008 के क्राइसिस में भी देख सकते हैं कंपनी में ये शेयर प्राइस था 544 रुपीज़ का, वहां से करेक्ट होकर के आ गया था 40% डिस्काउंट पे, देख सकते हैं 50% डिस्काउंट पे 50% का करेक्शन उस बार भी देखने मिला था। अभी भी आपको 40% का करेक्शन इसमें मिल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, मतलब आपको जो पहला इंस्टॉलमेंट है ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि जो रिजल्ट देखे उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है लॉकडाउन का। अगर लॉकडाउन का इफेक्ट देखना है तो Q1 पे पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं किस लेवल्स पर आपको बाय करना चाहिए। तो जो अभी लेवल है वो आपका बहुत ही बेहतरीन लेवल है आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी आपको लगा देना चाहिए। और जैसे जैसे इसमें प्राइस में करेक्शन आता है तो हर वीक आपको इसमें अलग अलग इंस्टॉलमेंट आपको लगाना चाहिए, मतलब आप अपना मनी जो है 5 भाग में डिवाइड कर लें और पहला इंस्टॉलमेंट इसमें लगा सकते हैं, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट और इसमें करेक्शन आता है, तीसरा इंस्टॉलमेंट और करेक्शन आता है। तो इस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।